तो अब हम आपको बताते हैं बिहार के लिए बेहतर मुख्यमंत्री कौन। लाइए आंकड़ा सामने, क्योंकि यहाँ पर जो नाम है उसमें जाहिर तौर पर सबसे पहले नीतीश कुमार का नाम, नीतीश कुमार के साथ कितनी बिहार की जनता है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। याद रखिए, ये ओपिनियन पोल है जिसमें सैंपल साइज, नीतीश कुमार 31% के साथ आगे और 27% पर पहुंच गए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम के तौर पर सरकार से निकले थे और उसके बाद नीतीश कुमार निर्विवाद आ गए इधर एनडीए के साथ और सरकार यहां से बन गई। 31% उनकी पॉपुलैरिटी, 27% पे तेजस्वी यादव। चिराग पासवान अभी 5% के साथ है और सुशील कुमार मोदी है 4% के साथ। अब ये हो गया कहां पर कौन खड़ा है, देखिए लगभग 1 मिलीमीटर भर की दूरी दिख रही है इस तस्वीर के हिसाब से। हालांकि प्रतिशत के हिसाब से ये बड़ा होता है, लेकिन तेजस्वी यादव कहां से उठकर यहां पर पहुंचे हैं वो चीज नीतीश कुमार को शायद परेशानी दे सकती है। 4% का फासला है अजय आलोक जी, 4% का फासला रह गया है। कहीं आपने दुश्मन को कम तो नहीं आका था? देखिए ऐसा है कि आपके सर्वे को मैं बिल्कुल आपकी मेहनत और आपकी टीम की मेहनत का नतीजा मानता हूँ, उसको लिए मैं आपको धन्यवाद। लेकिन सच्चाई तो यही है कि 4% का फासला तय करने में उम्र निकल जाती है और ये फासला तो बढ़ते ही चला जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी की उम्र कितनी निकली है अभी? वैसे उम्र अभी तो शुरू हुई है, बस अभी तो पालने से निकले हैं, अभी आपने सीधे मुख्यमंत्री बना दिया। अरे बिहार की जनता ने उप मुख्यमंत्री बनाया था, हमने तो बाद में आज उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट, आपने तो उप मुख्यमंत्री बना दिया था साहब। मुख्यमंत्री बनाया था क्यों, हमने क्यों बनाया था, क्योंकि हमारे गठबंधन से आते थे, तब पता नहीं था पालन से निकले हैं अभी पालने से। एक सेकंड, मैं सवाल लूंगी। लालू जी ने पालने से निकले हैं? नहीं बिल्कुल पता था, लेकिन क्या करते हैं। लालू जी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी जगता बाबू सबको नजरअंदाज करते हुए अपने पुत्र को भेज दिया। हाँ। हमें तो मजबूरी थी, आपने खुली बाहों से स्वीकार लिया क्योंकि कुर्सी चाहिए थी मुख्यमंत्री की। एक मिनट, गठबंधन जब आप करते हैं, पूरी सुनाया कीजिए। एक बार बताइए अंजना जी। हाँ। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, कल को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसी को भी अगर डिप्टी सीएम बना के भेजेगा तो हमारे पास न मानने के अलावा कोई चारा है? आदर्शों की कहां बात जमीन पर, आदर्श की बात नहीं है, आप सही कह रहे हैं। सच्चाई अच्छा है, वास्तविकता है, उनको अपने पुत्र से ही प्यार है। मृत्युंजय जी का मुस्कुराहट आ गया, लालू यादव बड़े खुश है, लेकिन अभी तो सीट और वोट परसेंटेज आना बाकी है। एक और चीज जोड़ देते हैं इसमें कि लालू प्रसाद यादव का भी नाम इसमें था, 3% लोग वहां पर भी जुड़े हैं और परिवार लालू यादव और तेजस्वी यादव देख लीजिए तो आप कम से कम 30% तक तो लोकप्रियता वहां पहुंची जा रही है। देखिए श्वेता जी, अंजना जी, आप जो ये दिखा रहे हैं फिगर, अब तो कम से कम ये हो गया ना, जितना ये लोग सत्ताधारी दल के लोग जितना वार कर रहे थे, जितना तेजस्वी यादव जी को चक्रव्यूह में फंसाना, इनको पसंद आ गया सर, नहीं फंसाने की कोशिश कर रहे थे, अंत तक ऐसे रहिएगा। हम तो कह रहे हैं 27 और 31 का मामला है। हाँ। चार रन चाहिए एक चौका, हमारा नेता तो छक्का लगाने वाला लास्ट बॉल में है, ये चौका कौन पूछता है। छक्का मारेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सवार होंगे। बिहार की 12 करोड़ जनता तेजस्वी यादव जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। ये आपका आंकड़ा को हम जो भी होगा, 10 नवंबर का ज्यादा दिन नहीं है, लेकिन आप ये देख लीजिए तेजस्वी यादव जी ने 5 वर्षों में आदरणीय नीतीश कुमार जी की, सुशील मोदी जी की जो उम्र है, राजनीतिक उम्र है, तेजस्वी यादव जी की असली उम्र भी उससे कम है। इसके बाद भी ये बिहार की जनता को हम सैल्यूट करते हैं कि आपने इस होनहार युवा ओजस्वी प्रतिभा के धनी तेजस्वी यादव जी, जिसने सड़क से लेकर सदन तक बिहार की मुखर आवाज बन करके बिहार के हक और हकूक दिलाने की बात कही है, बिहार के नौजवानों को, तो बिहार के किसानों को रैली करने लगे। रैली नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद, आपको लिए चलते हैं डॉक्टर का आशीर्वाद देखिए, जनता का आशीर्वाद देखिए। ठीक है, हम रैली नहीं कर रहे हैं, कीजिए नेता, रैली तो हमारा नेता घूम घूम कर रहे हैं, तब ज्यादा सही रहेगा। अच्छी बात है, लालू जी नहीं है इस बार, लालू जी बहुत मेहनत करते थे, लेकिन उससे पहले लालू जी के लाल है। अरे प्रभु, ये तो रोज आप गिनाते हैं, किसको नहीं पता। हम तो इसलिए रखा रहे हैं, जैसे समोसे में आलू है वैसे लालू के लाल है, किसको नहीं पता। क्या लड़ेंगे आप, तेजस्वी जी तैयार है।